हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए देसी टेक्नो में। फ्रेंड्स, आज मैं एक क्रिएटिव स्टूडियो के अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि ये अपडेट क्या है। फ्रेंड्स, अब क्रिएटर स्टूडियो में आपको हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में आपके चैनल को लेकर के एक ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक है, और आप इससे बहुत सारी चीज़ें आसानी से जान सकते हैं। फ्रेंड, जब आप क्रिएटर स्टूडियो ओपन करेंगे महीने के 1 या 5 तारीख के बीच में, तो इस समय आपको क्रिएटर स्टूडियो के ओवरव्यू ऑप्शन के पास एक और ऑप्शन देखने को मिलेगी, जहां से आप अपने पूरे 1 महीने के जो सब्सक्राइबर गेन हुए हैं वो आप देख सकते हैं, और आपका व्यूज़ कितना आया ये भी आप देख सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आप ये भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा वीडियो सबसे अच्छा रिस्पांस दिया है और कौन कौन से वीडियोस पर आपको कितने सब्सक्राइबर मिले हैं। ये एक नया अपडेट है फ्रेंड, जो कि इससे पहले नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक जितना भी अपडेट आपको मिला है यूट्यूब से वो कंफर्म नहीं मिलता था, लेकिन इस बार आपको जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले वीडियोज़ के जो सब्सक्राइबर है वो आपको दिखाई देंगे परसेंटेज के हिसाब से कि किस वीडियोस पर कितने परसेंट आपको सब्सक्राइबर मिले हैं और आपका सब्सक्राइबर 1 महीने का कितना आपको मिला आपके चैनल पर, ये भी आपको शो होगी। दूसरा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक और अपडेट देखने को मिलेगी जो कि आपका नोटिफिकेशन को लेकर के है और सब्सक्राइबर को लेकर है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपके चैनल पर कितने परसेंट लोगों ने सब्सक्राइबर करने के बाद बेल आइकन को प्रेस किया है और कितने लोगों ने आपको बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, जिसके कारण आपका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। ये एक अपडेट है जो कि शायद इसी महीने से लागू हो गया है, या फिर ये अपडेट इसी महीने से हो गया है। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको यहाँ बगल में दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, इस तरह से आपको शो होगी आपके क्रिएटर स्टूडियो में, और आप अपने चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी आप जान सकते हैं। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड, जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका नॉलेज ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।